नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NK एजुकेशन में। CBSE बोर्ड रिजल्ट 2020 से रिगार्डिंग आ चुकी है सबसे बड़ी अपडेट। आज शाम को 4 बजे आपका रिजल्ट जारी होगा, इसको लेकर बोर्ड के सचिव ने किया कहा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आज रिजल्ट जारी नहीं होगा तो कब तक होगा, क्योंकि CBSE वाले विद्यार्थी निरंतर अफवाहों का शिकार बन रहे। किसी ने कुछ अफवाह फैला दी कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, किसी ने फर्जी प्रेस नोट भी जारी कर दिया, तो इसको लेकर शिक्षा विभाग में क्या जो पहल है वो चल रखी है, पूरी की पूरी अपडेट बता दूंगा। उससे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें डाउटनेट के साथ, यहाँ पर आपको राकेश यादव व आरएस अग्रवाल की सारी वो वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर देना, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे अखबार की कटिंग है कि CBSE 10वीं और 12वीं की नतीजों को अंतिम रूप देने में जुड़ा, कॉपियों की जांच और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का परीक्षण जारी है, परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड 10वीं की परिणाम की कॉपिया का मूल्यांकन के अनुसार घोषित करेगा, जबकि 12वीं की बोर्ड में 3 आंतरिक परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। परिजनों के सुप्रीम कोर्ट की याचिका के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर चुका है। 10वीं और 12वीं में 30,96,771 विद्यार्थी पंजीकृत है। तो दोस्तों, आपका रिजल्ट है वो किसी भी हालत में आज या कल के अंदर आ जाएगा, किसी भी हालत में 15 जुलाई से लेट बोर्ड ने स्पष्ट मना कर दिया कि आपका रिजल्ट 15 जुलाई से लेट हम किसी भी हालत में नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 12वीं में ये रहेगी व्यवस्था, किस आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर क्या कुछ रहेगा, इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा।